धनतेरस पर घर के बाहर दीपक जलाकर रखना और दीपदान करने का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यमराज देवता के लिए दिया जलाना चाहिए, वो भी दक्षिण दिशा में। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह है और ऐसा करने से क्या लाभ मिलते हैं? हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए लोकलिटी ने हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बात की है। उन्होंने बताया कि इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर महाराज और धनवंतरी देव की पूजा की जाती है, पर साथ ही यम देवता की पूजा का भी खास महत्व होता है। इस बारे में ज्योतिषी ने और क्या क्या बताया, चलिए जानते हैं। दीपावली का समय आता है, उससे दो तीन दिन पहले ही ये हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे पर्व हैं हिंदू धर्म के, वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो जैसा कि धनतेरस होती है त्रयोदशी के तिथि में, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाते हैं। उस दिन यम प्रीत्यर्थम, यम राज की प्रसन्नता के लिए घर के बाहर सूर्यास्त के बाद, अर्थात 5:38 पर सूर्यास्त होगा, तत्पश्चात कुछ समय बाद घर के द्वार पर यमराज की प्रसन्नता के लिए एक दीपक जला जाता है। दक्षिण दिशा में दीपक जलाता है, जलाया जाता है, क्योंकि यमराज को दक्षिण दिशा का, दक्षिण दिशा में उनका निवास माना गया है, इसीलिए दक्षिण दिशा में एक दीपक सरसों के तेल का जलाना शुभ होता है। अब ये जान लेते हैं कि दक्षिण दिशा में दिया जलाना क्यों खास होता है, ऐसा करने से आपको क्या फायदा मिलता है, इस बारे में ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, जब हम यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाते हैं, हमारे परिवार में कई प्रकार के कष्ट, रोग और कई प्रकार की व्याधियां वो समाप्त होती हैं, और घर से जो नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक उसका फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही अकाल मृत्यु का भी नाश होता है, क्योंकि कहते हैं कि अकाल मृत्यु तभी नहीं, जब नहीं आती है, जबकि हम यमराज की प्रसन्नता के लिए, अर्थात यम प्रीत्यर्थम, अर्थात यम की प्रसन्नता के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं। तो ये करना बहुत ही अनिवार्य है। इसके साथ साथ ही जो इसका समय है, उस दिन प्रातः 10:32 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तत्पश्चात अगले दिन 1:15, अर्थात 1:15 तक त्रयोदशी रहेगी। इस मध्य ही हम इस धनतेरस को मनाएं। यमराज देवता की प्रसन्नता के लिए दीपदान सूर्यास्त के बाद करने का विधान होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक 29 अक्टूबर की रात को जलाना खास लाभ देगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकलिटी।